कम ही मौकों पर देखा जाता है कि जब किसान सरकार से गदगद हों। ज्यादातर मौकों पर किसान राज्य सरकार से नाराज ही नजर आते हैं। उत्तराखंड को केंद्र ने प्रदेश में कृषि को उन्नत करने के लिए 4100 करोड़ का बजट दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद इस सहायता पर मुहर लगी। ऑर्गेनिक राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड को 1500 करोड़ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार जहां पिछले कई महीने से इस प्रदेश को जैविक राज्य बनाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सरकार के लिए सहकारिता और चीनी क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र से इतनी बड़ी सहायता मिलने के बाद प्रदेश में किसानों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सम्मान किया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के योगदान की भी तारीफ की। आज वास्तव में आजादी के बाद अगर किसी ने प्रधानमंत्री ने सोचा है तो पहली बार माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा किसानों के विषय में सोचा गया है। इससे पहले जब भी कभी बात आती थी कर्जा माफी की आती थी, बिजली के बिल की माफी की आती थी, लेकिन ये नहीं बात आती थी कभी भी किसान का लागत मूल्य क्या है और वो लागत मूल्य से जो उसको दाम मिलता था, जो कीमत मिलती थी फसल की, वो लागत मूल्य से कम होती थी, इसलिए किसान लगातार नुकसान की ओर जाता था और वही कारण था किसान को हत्या करने के लिए। प्रदेश के किसान गदगद हैं। किसानों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सम्मान किया। किसानों के चेहरे पर खुशी देखने के बाद प्रदेश के मुखिया ने इसके लिए भी केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। 1500 करोड़ से ऊपर का बजट केवल जो क्लस्टर बनने हैं जैविक खेती के, उसके लिए उन्होंने हमको दिया है। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण है, जो विलेज मार्केट है, कोल्ड चेन है, उसके लिए हमको 3 गुना तक बजट उन्होंने हमको दिया है। अगर हम पिछले 3-4 साल 5 साल का बजट देखें तो मुझे लगता है कि जितना एक साल में दिया है उसको टोटल को मिलाकर देख लिया जाए तो उससे अधिक बजट हमको कृषि और उद्यानिकी के लिए मिला है। केंद्र से सहायता मिलने के बाद किसान से लेकर मुख्यमंत्री तक बेहद खुश हैं। केंद्र ने प्रदेश में कृषि को उन्नत करने के लिए 4100 करोड़ बजट दे तो दिया है, लेकिन अब देखना है कि राज्य सरकार इसका इस्तेमाल कैसे करती है। देहरादून से योगेश देमवाल, APN।